Pakistan Affair lecture series, we are going to discuss about the Kashmir issue, the main reason of confliction between Pakistan and India. कश्मीर इशू को हम डिस्कस करेंगे. प्रीवियसली इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था और ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में ओवर कश्मीर इशू क्या चल रहा है, हम इसको देखेंगे. अगर कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की देखा जाए तो ये एक काफी लॉन्ग स्टैंडिंग और कॉम्प्लेक्स इशू है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में, जो कि दोनों कंट्रीज की जो वो एक दोनों कंट्रीज जो वो अपनी सॉवरेनिटी क्लेम करते हैं इस रीजन के ऊपर. जो डिस्प्यूट है वो ऑलमोस्ट 1947 के टाइम पर हुआ, जब पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान जो है वो इंडिया से सेपरेट हुआ, ब्रिटिश रूल से जो है वो इंडिपेंडेंस हासिल हुई पाकिस्तान को. अब जो कश्मीर महाराजा थे हरि सिंह, वो इनिशियली उनका क्या था कि वो आजाद रहना चाहते थे, लेकिन बाद में इवेंचुअली उन्होंने एक साइन कर दिया और एक जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है इंडिया के साथ 1947 के ऊपर. और ये जो डिस्प्यूट है वो उस वक्त से चलता आ रहा है और अभी तक कश्मीर का जो मैटर है वो प्रॉपरली सॉल्व नहीं हो पाया है. ठीक है जी, की इश्यूज इसमें डिफरेंट तरह के हैं. टेरिटोरियल डिस्प्यूट आ रहा है इसमें, सेल्फ गवर्नेंस का है, ह्यूमन राइट्स की जो है वो काफी ज्यादा वायलेशन हो रही है यहाँ पर. ये तमाम चीजें जो हम अपने इस टॉपिक में आज डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट व्हेन वी गो थ्रू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकली जो पार्टीशन थी ब्रिटिश इंडिया की 1947 के अंदर, ठीक है जी, क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, द पार्टीशन लीड टू द क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, दी बोथ नेशंस इनहेरिटिंग डिस्प्यूट्स ओवर द प्रिंसली स्टेट्स. अब इस स्टेट्स के ऊपर जो है पाकिस्तान और इंडिया दोनों नेशंस का जो है वो एक डिस्प्यूट चल रहा है कि दोनों नेशन के ऊपर जो वो एक इनहेरिटेंस इनहेरिटिंग डिस्प्यूट है इस स्टेट के ऊपर. एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेशन किस तरीके से हुई, जो महाराजा हरि सिंह थे जम्मू एंड कश्मीर के, इनिशियली उनका जो मोटिव था वो ये था कि मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा. जो भी मैंने आपको ये का पॉइंट नोट किया कि महाराजा हरि सिंह का जो मोटिव था कि कश्मीर जो है एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट ही रहेगा, बट लेटर जो उन्होंने क्या किया कि कुछ सर्टेन कंडीशन के तहत जो है वो इंडिया के साथ एक एक्सेशन को जो है वो साइन कर दिया और इंडिया के साथ 1947 के अंदर, जिसके नतीजे में ये डिस्प्यूट जो है वो अराइज हो गया. इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट शुरुआत की अगर बात की जाए तो फर्स्ट कश्मीर वॉर कब हुआ, 1947 से 1948 तक. इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट था वो सबसे पहले इनिशियली इरप्ट हुआ पार्टीशन के बाद, जो कि इसमें यूएन ने जो है वो सीज फायर करवाया, यूएन मेडिएटेड सीज फायर हुए और इस्टेब्लिशमेंट जो है हुई किसकी, LOC की, लाइन ऑफ कंट्रोल की इस्टेब्लिशमेंट हो गई. After that, अगर करंट स्टेटस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखा जाए, जो करंट सिचुएशन है उसमें टेरिटोरियल क्लेम्स है जो कश्मीर की और पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी है, जो टेरिटरी है उसके क्लेम्स है. पाकिस्तान की पोजीशन क्या है कि आजाद जम्मू कश्मीर जो AJK है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव AJK एंड बल्तिस्तान, बट सीक्स फुल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान के पास एडमिनिस्ट्रेटरशिप तो है आजाद जम्मू कश्मीर की, गिलगित बल्तिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान जो है फुल इंटीग्रेशन को जो है वो सीख कर रहा है कि कश्मीर की जो है वो फुल इंटीग्रेशन पाकिस्तान के पास हो. इंटरनेशनलाइजेशन, पाकिस्तान सीक्स इंटरनेशनल इंटरवेंशन एंड सपोर्ट फॉर इट्स पोजीशन कश्मीर. पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल सपोर्ट इंटरवेंशन की कोशिश कर रहा है और ये 1947 से ये चीज चलती आ रही है कि एक में इंटरनेशनल जो बाकी नेशन है, यूनाइटेड नेशन वगैरह और डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करें और एक इंटरनेशनल इंटरवेंशन हासिल हो पाकिस्तान को कश्मीर की ये पोजीशन हासिल करने के लिए. इंडिया की पोजीशन क्या है इसमें, अब जम्मू एंड कश्मीर, इंडियाज कंट्रोल जम्मू, कंट्रोल जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग द एरियाज एडमिनिस्टर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट. अब जो मेजर कंट्रोल जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर आ रहा है वो इंडिया का आ रहा है. और इंटीग्रेशन क्या है कि इंडिया कंसीडर्स कश्मीर इंटीग्रेट पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी, अपना एक इंटीग्रेट एक अहम पार्ट समझता है इंडिया कश्मीर को, अपनी टेरिटरी समझता है. और इसने जो आर्टिकल 370 है वो एब्रोगेट किया 2019 में और जो स्पेशल स्टेटस था रीजन का उसे रिमूव कर दिया. ठीक है जी, ये एक मेजर इंडिया ने स्टेप लिया जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्शन है वो बहुत ज्यादा और ज्यादा स्ट्रेंड हो गई. LOC की अगर बात की जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर लाइन है ये. द LOC सर्व एज अ फैक्टर बॉर्डर डिवाइडिंग कश्मीर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में जो कश्मीर को डिवाइड कर रहा है वो LOC है. ठीक है जी, लाइन ऑफ कंट्रोल है. इंसिडेंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अगर देखे जाए तो फ्रीक्वेंट सीज फायर वायलेशन हुई इंडिया की तरफ से, क्रॉस बॉर्डर स्क्रमिशेस हुए और LOC की तरफ बहुत ज्यादा इंडिया ने वायलेशन की, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इंसिडेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि अगर वहां से रिस्पॉन्स आया तो वैसे पाकिस्तान की तरफ से भी रिस्पॉन्स जाएगा. तो ये डिफरेंट इंसिडेंट्स LOC पर जो है वो मोस्टली अक्सर औकात जो है वो होते रहते हैं. पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक डायमेंशन की अगर हम बात करें
तो इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट यूनाइटेड नेशन की सबसे पहले रेजोल्यूशन, वेरियस यूएन रेजोल्यूशन कॉल फॉर प्लेबिसाइट इन कश्मीर। ठीक है जी, काफी कॉल्स दी गई कि जो इशू चल रहा है कश्मीर का, इंटरनेशनल मेडिएशन को प्रोवाइड की गई और इसमें जो है काफी ज्यादा एक इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन जो ये जिस तरह के टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई मोस्टली वो अनइम्प्लीमेंटेड है और जो कॉन्फ्लिक्शन है वो स्टिल अपनी जगह पर कायम है। पीस कीपिंग की अगर बात करें तो यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान मॉनिटर्स द सिचुएशन। जो यूएन का मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है पाकिस्तान और इंडिया में, UNMOGIP, ये मॉनिटर करता है सिचुएशन को। रीजनल फैक्टर, रीजनल एक्टर्स की अगर हम बात करें तो रीजनल एक्टर्स जो यहाँ पर हैं उसमें चाइना है, अफगानिस्तान है और ये काफी जो है वो अपना एड्रेस या अपना कंसर्न शो करते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, इसको रिजोल्व करने के लिए। बायलेटरल टॉक्स की अगर बात करें, डायलॉग ऑफ एक्ट्स इसमें डिफरेंट तरह के, उसमें मेजर है वो शिमला एग्रीमेंट और 1972 में और आगरा समिट 2001 में है। ये एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसका मेन जो लॉजिक थी, जो रीजन था वो ये था कि रिजॉल्व करना है डिस्प्यूट को थ्रू बायलेटरल मींस एंड मेंटेनिंग पीस के, बातचीत के जरिए और दोनों तरफ के मफाद को देखते हुए कि एक एग्रीमेंट साइन किया जाए जिसमें इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है रिजॉल्व किया जा सके। आगरा समिट का 2001 में एक हाई प्रोफाइल अटेम्प्ट थी, ठीक है जी, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट जो है जो अल्टीमेटली एक इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाया, लेकिन इसमें काफी ज्यादा जो है इस चीज के ऊपर स्टेप्स लिए गए कि इस जो इशू को जो है वो एड्रेस किया जा सके। चैलेंजेस टू डायलॉग्स, ट्रस्ट डेफिसिट, persistent distrust and lack of progress in peace talks have hindered effective dialogue. अब इतने इसमें peace talks हुए और इतने ज्यादा एक जो डायलॉग्स वगैरह हुए, लेकिन हर दफा क्या हुआ कि कभी इंडिया की तरफ से भी पाकिस्तान दोनों फरीकैन की तरफ से जो है वो परसिस्टेंट मिस्ट्रस्ट वाली सिचुएशन हुई कि जो भी अमेंडमेंट दी जाती है या जो भी रेजोल्यूशन दी जाती है उसके ऊपर प्रॉपरली अमल नहीं किया गया। तो ये लैक ऑफ प्रोग्रेस और मिस्ट्रस्ट की सिचुएशन ने जो इन पीस टॉक्स की अहमियत भी खत्म कर दी और जो इसकी इफेक्टिवनेस होती थी डायलॉग की वो सारी भी हिंडर कर ली, मीन्स वो सारी उसकी इफेक्टिवनेस को जो है वो बिल्कुल दबा दिया। डोमेस्टिक प्रेशर की अगर हम बात करें, बोथ नेशंस फेस डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर्स दैट इंपैक्ट देयर विलिंगनेस टू कॉम्प्रोमाइज। दोनों नेशंस को जो है वो डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर्स को जो है वो फेस करना पड़ रहा है, जो इनकी जो विलिंगनेस है कॉम्प्रोमाइज की उसको खत्म कर रही है कि ये किस तरह का इशू है कि पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंस का हामिल है कि अगर कोई इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना चाहेगा तो शायद उसको पॉलिटिकल प्रेशर, डोमेस्टिक प्रेशर इतना होगा कि वो उसको सॉल्व करने में उस पार्टी को या उस गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है। तो ये जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर है ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है जो एक विलिंगनेस है इस इशू के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने की, किसी कोई एक भी थोड़े झुकाव की तरफ जाता है तो ये डोमेस्टिक और पॉलिटिकल प्रेशर इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं और ये इशू जो है वो रिजॉल्व होने की तरफ वो नहीं जा पा रहा है। सोशियो इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट की बात करें तो ह्यूमन राइट इश्यूज कॉन्फ्लिक्ट जोन द कश्मीर रीजन हैज सीन वाइड स्प्रेड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इंक्लूडिंग मिलिट्री एक्शंस एंड सिविलियन सफरिंग। अब इंडिया का वहां पे अगर देखा जाए तो वो अंडर कंट्रोल एरिया है, लेकिन इसके साथ साथ वहां पे जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जा रही है कश्मीर में, ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है, कॉन्फ्लिक्ट जोन है कि इसमें जो मिलिट्री एक्शंस हैं, जो सिविलियंस को सफर करना पड़ रहा है, जो ह्यूमन राइट्स की वहां पे बहुत ज्यादा वायलेशन हो रही है, तमाम चीजें जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर आ रही है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को अगर देखें तो वेरियस ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ऑन अब्यूजेस एंड कॉल फॉर इन्वेस्टिगेशंस एंड अकाउंटेबिलिटी। काफी सारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने जो इसके ऊपर आवाज उठाई है कि वहां पर किस तरीके से अब्यूज हो रहा है, ह्यूमन अब्यूज हो रहा है और डिफरेंट तरह की वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की, और इन्वेस्टिगेशन के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए इसके लिए बहुत बार इसको इस चीज को कॉल आउट किया गया है। इकोनॉमिक इंपैक्ट की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन, द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट डिस्टर्ब्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अफेक्ट्स लाइवलीहुड्स ऑफ द रीजन। ठीक है जी, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन क्या करती है कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी करके बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है और जो लाइवलीहुड्स हैं, जो वहां की लाइफ है अफेक्ट रहा है, वह बहुत ज्यादा इस रीजन की अफेक्ट हो रही है। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट वी हैव मिलिट्री स्पेंडिंग। बोथ कंट्रीज एलोकेट सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स इंपैक्टिंग देयर इकोनॉमीज। दोनों कंट्रीज को जो है वो अपने एक सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज, एक हाई अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स अपनी इकोनॉमी के यहाँ पे रिजर्व करने पड़ रहे हैं ताकि वो इसके ऊपर मामला को तय कर सकें। रिफ्यूजी एंड डिस्प्लेसमेंट इशू,
internal displacement. The conflict has led to the displacement of civilians in the Kashmir and across border. अब इस issue की वजह से जो across border movement है, जो civilians हैं कश्मीर के, उनकी displacement वगैरह ये काफी ज्यादा बड़ा issue. और refugee crisis create हो रही है. पाकिस्तान has hosted Kashmiri refugees and faced challenges related to the integration and support. पाकिस्तान ने कश्मीरी refugees को काफी ज्यादा support किया, लेकिन इसमें इसको बहुत ज्यादा challenges का सामना करना पड़ा integration और support के लिए. काफी मसले मसाइल पाकिस्तान को दरपेश है. रिसेंट डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, रिसेंट डेवलपमेंट्स में जो एब्रोगेशन हुई आर्टिकल 370 की, इंडिया ने ये मूव लिया 2019 के अंदर. अब 2019 में इंडिया ने क्या किया कि इसने एब्रोगेट किया आर्टिकल 370 को और रिवोक कर दिया जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर को, हैज बीन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट. ठीक है जी, पहले एक इंडिपेंडेंट अलग सेपरेट स्टेट था, लेकिन अब क्या किया गया कि उसको इंडिया के साथ ही मर्ज करके इन्होंने अपने आर्टिकल 370 का एक पास किया, जिसने क्या किया, इसने रिवोक कर दिया जो स्टेटस था, स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का, उसको रिवोक किया और एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई. इसमें इंपैक्ट ऑन रिलेशन, दिस मूव हैज एस्केलेटेड टेंशन एंड हैज बीन मेट विद स्ट्रॉन्ग कंडमनेशन फ्रॉम पाकिस्तान एंड कंसर्न फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी. इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी से काफी कंडेम किया गया इस चीज को, और रिलेशनशिप जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंस का, टेंशन का शिकार हुए. करंट डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को अगर देखें, इंटरनेशनल रिएक्शन, ग्लोबल रिएक्शन ऑफ टू द कश्मीर इशू रिमेन वैरिड विद सम कंट्रीज कॉलिंग फॉर डायलॉग एंड अदर फोकसिंग ऑन ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सर्न्स. जो ग्लोबली रिएक्शन था कश्मीर इशू के ऊपर वो डिफरेंट शेड होता रहा. कुछ कंट्रीज जो हैं वो एक डायलॉग की तरफ आ रहे थे कि पाकिस्तान के दरमियान जो एक डायलॉग होना चाहिए, आपस में बातचीत, पीस टॉक होनी चाहिए, लेकिन कुछ का जो है ज्यादा फोकस ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स के ऊपर था कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की भी बहुत ज्यादा वायलेशन हो रही है, तो इन चीजों को भी देखा जाए. मीन्स इन शॉर्ट जो इंटरनेशनल रिएक्शन है वो भी इसके नतीजे में सामने आया. पीस इनिशिएटिव की अगर बात की जाए, एफर्ट्स टू रिवाइव डायलॉग एंड पीस इनिशिएटिव कंटिन्यू थ्रू प्रोग्रेस रिमेन लिमिटेड. अब एफर्ट्स तो कंटिन्यू है कि पीस इनिशिएटिव लिया जा सके, दोनों कंट्रीज के दरमियान में डायलॉग्स को रिवाइव किया जाए, लेकिन जो प्रोग्रेस है वो दोनों की तरफ से ही बहुत ज्यादा लिमिटेड है. फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को अगर हम देखें इसके, कश्मीर इशू के प्रोस्पेक्ट्स फॉर पीस, पोटेंशियल सॉल्यूशन, डायलॉग एंड नेगोशिएशन, रिन्यू डायलॉग एंड नेगोशिएशन कोड पोटेंशियली एड्रेस सम ऑफ द अंडरलाइंग इश्यूज. जो इनके डायलॉग है, रिन्यू डायलॉग और नेगोशिएशन है, ये जो इसके अंडरलाइंग इश्यूज हैं उसे एड्रेस तो करते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा एक मैंडेटरी चीज है कि दोनों के दरमियान में जो एक पोटेंशियल सॉल्यूशन है वो डायलॉग ही है, और डायलॉग और नेगोशिएशन ही इसका एक प्रोबेबली जो एक हल है इस मसले का वो नजर आता है. इंटरनेशनल मेडिएशन की बात करें, मीडिएशन की, तो इन्वॉल्वमेंट इंटरनेशनल मीडिएटर्स को फैसिलिटेट रेजोल्यूशन. इंटरनेशनल फैसिलिटेटर्स कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कंट्रीज के अंदर इन्वॉल्व हो इंटरनेशनल मीडिएटर, तो ये इशू काफी हद तक जो है वो रिजोल्व हो सकता है. चैलेंजेस का देखें तो चैलेंजेस का जिनको पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है, इसमें डीप सीटेड इशूज हैं जैसे कॉम्प्लेक्सिटी है, हिस्टोरिकल ग्रीवनेस है, नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट्स हैं, पोजेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस. अगर हिस्टोरिकल व्यू से देखा जाए तो जितने भी सिनेरियोज रहे, जो एक इमोशनल अटैचमेंट है, सेंटीमेंट्स हैं, ये तमाम चीजें जो है वो एक सिग्निफिकेंट चैलेंज को का सामना फेस करना पड़ रहा है, और इसमें जो है वो एक हिस्टोरिकल ग्रीवनेस जो है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रही है, और ये इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन जो है वो नहीं निकल पा रहा है. रीजनल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, इंपैक्ट ऑन साउथ एशिया, द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट रिमेन्स अ की फैक्टर इन साउथ एशिया स्टेबिलिटी इन्फ्लुएंसिंग रीजनल सिक्योरिटी डायनेमिक्स. कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्या कर रहा है, ये एक की फैक्टर है साउथ एशियन स्टेबिलिटी का. ठीक है जी, इन्फ्लुएंस कर रहा है सिक्योरिटी डायनेमिक्स को कंट्री के. ग्लोबल इंप्लीकेशंस में, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट हैज इंप्लीकेशंस फॉर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, दो मेजर कंट्रीज के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है. अब ये कंट्रीज ऐसे हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स हैं, इनका एक अपने एक प्रेस्टिजियस वैल्यू या इनकी अपनी एक रीजनल स्टेबिलिटी है, तो ये दोनों चीजें जो है वो काफी ज्यादा ये जो इनके ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उनके ऊपर ये इश्यू जो है वो अफेक्ट डाल रहा है. ठीक है जी, अब कंक्लूजन की तरफ अगर हम आए, तो इन कंक्लूजन में अगर देखा जाए, ये एक मल्टी फेसेटेड कॉन्फ्लिक्ट है, इसका डीप हिस्टोरिकल रूट्स भी हैं, सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशन है रीजन के ऊपर. तो इससे क्या है कि इसके लिए एक बहुत ज्यादा इस इशू को एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव किस्म की अप्रोच चाहिए इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व होने के लिए. और इसके साथ साथ जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है या जो करंट टेंशन है ह्यूमन राइट्स की, ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है जिन्हें ऑन पॉइंट रखा जाए और इस इशू को जो है वो रिजोल्व किया जाए. एक पीसफुल रेजोल्यूशन जो है वो
ऑब्वियसली सिर्फ इस पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन को ही स्ट्रांग नहीं करेगा या उनके अंदर जो ये स्ट्रेन और टेंशन है इस कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं करेगा, बल्कि पूरा जो रीजन है उसके लिए भी बहुत ज्यादा ये एक मैंडेटरी चीज है कि इन इश्यूज को रिजोल्व किया जा सके, ताकि जो डिप्लोमेटिक डायमेंशन है या जो सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसके तरफ जो है वो कुछ इन कॉम्प्लेक्सिटीज को कम किया जा सके और ये टेंशन रिलीज होकर कोई बेहतरी की तरफ जा सके। ठीक है जी, अब ये कश्मीर डिस्प्यूट पाकिस्तान का इंडिया इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान के रिलेशनशिप हम इंडिया के साथ देखें या फिर कश्मीर इश्यू को इंडिविजुअली आप लिंक करके स्टडी करें, तो ये जो है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यू मस्ट हैव टू understand the historical background and the current implications and scenarios of this topic. Hopefully आपको इसकी जो main theme और outline वो समझ आ गई होगी। Next lecture इंशाल्लाह जल्दी upload होगा। Thank you so much.